पापा मैं कह रही थी कि गाड़ी में म्यूजिक सुनना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो म्यूजिक लगाते ना कोई अच्छा सा। लेकिन तलाल मामू को तो गाड़ी में म्यूजिक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तलाल मामू तो कहते हैं कि गाड़ी में बैठ के सिर्फ और सिर्फ सफर की दुआ पढ़ते रहा करो। चारी वाला बैगिंग का प्रोक्सा बिल्कुल ठीक लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा ना। सुनो तुम लोग जल्दी चले जाओ, इंतजार कोई नहीं करना। हाँ प्लीज जल्दी चलो, मामू बिल्कुल नहीं रुकते। चलो चलो तानिया, आज बाय। अच्छा बात है ना, अच्छा लग रहा है। आ गए मामू। इसको साथ लाना जरूरी है? वो मामू लाली ने कहा कि उसे भी साथ ले जाओ, छोड़ कैसे सकते हैं, मेहमान है ना हमारी। आई मैं कह रही थी कि गाड़ी में म्यूजिक सुनना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो म्यूजिक लगाते ना कोई अच्छा सा। लेकिन तलाल मामू को तो गाड़ी में म्यूजिक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तलाल मामू तो कहते हैं कि गाड़ी में बैठ के सिर्फ और सिर्फ सफर की दुआ पढ़ते रहा करो। मामू उधर। है ना, तुम लोग की वापसी हो जाएगी ना? जी मामू। है ऐसे सड़क पे लबारसों की तरह छोड़ के जाएंगे क्या हमें? आप ही हमें छोड़ेंगे, बल्कि वापसी पे हम लोग आइसक्रीम भी खाते हुए जाएंगे, क्यों है ना? वैसे आइसक्रीम खाने का तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, हम घर से यही प्लान बना के निकले थे। तुम लोगों के प्रोग्राम्स का पाबंद नहीं हूं मैं, अपने 10 काम है मुझे। ऐसे वहां के रोज रोज नहीं मिलते तलाल साहब, ऐसे भी क्या पेर। कैसे मौका के समझा नहीं? हमारी मेजबानी के शेफ के मौके खुश नसीबों को मैसर आते हैं। मैं उन खुश नसीबों की लिस्ट में आना नहीं चाहता, और मैं बिल्कुल भी अच्छा मेजबान नहीं हूं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। बदतमीज लोग हैं भाभी के घर वाले। तमीज और मुरव्वत नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। रिक्शा कराओ, घर जा रही हूं मैं। तानिया रुको, तुम